सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पर्व के बारे में, क्योंकि श्राद्ध जो है कनागर जी ने बोलते हैं वह 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेंगे। श्राद्ध पक्ष में जो है पिंडदान तर्पण आदि अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति पूर्वजों का पिंडदान तर्पण आदि करते हैं उन्हें जो है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में आने वाले सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद तो मिलता ही है। साथ में यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष बना हुआ है तो वो पितृदोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता उनकी कुंडली में पितृदोष बन जाता है और फिर वो पितृदोष के कारण घर में कोई ना कोई बाधा आती रहती हैं, जैसे घर में क्लेश होना, नौकरी ना लगना, परेशान होना या बच्चे ना होना। तो इस तरह कई बार समस्या ये जो है पितृदोष के कारण भी देखी गई है, क्योंकि जिन व्यक्ति कुंडली में पितृदोष होता है उसके लिए सबसे अच्छा है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान तर्पण आदि करें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा करें तो उसके जो है कुंडली में पितृदोष समाप्त हो जाता है। श्राद्ध, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया हुआ कार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है, समर्पित होता है और जब वो कार्य करता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्राद्ध पक्ष जो है 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 20 अक्टूबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और 21 अक्टूबर को जो है प्रतिपदा का श्राद्ध होगा और स्वर्पित अमावस्या जो है वो 6 अक्टूबर को रहेगी, क्योंकि इस दिन जो है श्राद्ध समाप्त हो जाएगी। 16 दिन तक चलने वाले इस श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति को पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखकर सभी कार्य श्रद्धापूर्वक करने चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष में मृत्युलोक के देवता यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे परिजनों के यहाँ जाकर अपना तर्पण ग्रहण कर सकें, और पितृपक्ष में जो है पितरों को याद किया जाता है। अपने पितरों को याद करने का यह सबसे अच्छा दिन है और जो व्यक्ति पितरों का दान तर्पण आदि करता है उसके सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। वो तो यदि कोई कुंडली में पितृदोष हो तो वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि यदि पितृदोष बना हुआ रहता है तो उसे व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होते हैं, ये कई तरह की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करता है उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। पितृगण जो है हमारे लिए देवतुल्य होते हैं। पितृपक्ष में जो है पितरों से संबंधित सभी तरह के कार्य करने से वे हमें आशीर्वाद दे देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने पितरों की जो है अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि उस व्यक्ति को जो अश्विन अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन जो है सर्पित अमावस्या भी उसे कहा जाता है, तो उसी दिन श्राद्ध कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध जो है चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। पिता का श्राद्ध जो है अष्टमी तिथि को और माता का या सुहागन स्त्री का जो है नवमी तिथि को करना चाहिए। पूर्णिमा श्राद्ध जो 20 तारीख से लग रहा है तो 20 तारीख शुरू हो गए 6 अक्टूबर तक रहेगा, तो लेकिन जो है पंचमी का श्राद्ध तो 25 सितंबर को होगा, लेकिन षष्ठी का श्राद्ध यानी छठा श्राद्ध जो है 26 तारीख को ना होकर वो 27 तारीख को रहेगा, क्योंकि तिथि के घटने बढ़ने के कारण 26 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं होगा। 25 तारीख को पंचमी का श्राद्ध और तो 27 तारीख को छठा श्राद्ध होगा और 28 को सप्तमी का, और 12 तिथि को जो है सन्यासी को श्राद्ध करने की विधान है, और जो दुर्घटना या काल मृत्यु में मरे हैं जैसे कोई शस्त्र से विष से जहर खाकर या दुर्घटना में किसी भी तरह से मरे हैं तो उनका जो है 14 दिन श्राद्ध किया जाता है, यानी चतुर्दशी तिथि को उनका श्राद्ध करने की मान्यता श्राद्ध पक्ष में है। तो आज आप लोगों ने जाना श्राद्ध पक्ष के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें तो इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें, और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारियाँ आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।